Hello everyone and welcome to Brilliant Prints. In today's video lecture, I am going to describe you chapter number 1, class 9, History, the French Revolution. इससे पहले की वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच के अंदर किस तरीके से मोनार्की को एबोलिश करके रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया जाता है, और ये भी बताया था कि कैसे छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हुए थे, जो क्लब्स में लोग मीटिंग करते थे, डिबेट करते थे, और उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव जो रहा आगे चलकर, जिसने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया फ्रेंच की रेवोल्यूशन के अंदर, वो क्या था? जेकोबिन क्लब था। तो अब हम जेकोबिन क्लब के बारे में डिटेल से जानते हैं कि क्या था, जेकोबिन क्लब का नाम कैसे पड़ा। गोट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोबिन इन पेरिस। कॉन्वेंट वर्ड क्लियर होना चाहिए सबसे पहले आपको कि कॉन्वेंट क्या होता है। कॉन्वेंट इज अ बिल्डिंग जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, किसी भी कम्युनिटी के लोगों से बिलोंग करती है ये बिल्डिंग, और इट्स अ रिलीजियस फॉर्म ऑफ बिल्डिंग। तो क्या कहता है कि एक धार्मिक बिल्डिंग होती है जो खास लोगों के धर्म से बिलोंग करती है। आपके आसपास के एरिया में भी आपने कॉन्वेंट वर्ड सुना होगा लोकेलिटी के अंदर। तो मेनली किससे बिलोंग करता है? क्रिश्चियन लोगों से बिलोंग करता है। तो फ्रांस के अंदर क्या था, क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फॉलो किया जाता था। तो वहां पर पेरिस के अंदर, पेरिस के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं, बेस्टिल भी पेरिस में था, वो इंसिडेंट जो स्टार्ट हुआ था वो भी पेरिस से ही बिलोंग करता था। वहां पर सेंट जेकोब के नाम से कॉन्वेंट था, वहां बैठ के लोग जो डिबेट करते थे, वहां के लोगों का ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, और उसी बिल्डिंग के नाम पर इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा, जेकोबिन क्लब पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि इसके मेंबर्स कौन थे। मेनली फ्रॉम थर्ड स्टेट, लेस प्रोस्पेरस सेक्शन, जो जेकोबिन क्लब के मेंबर्स थे उसमें जिन्होंने इसको फॉर्म किया था, वो मेनली थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, और थर्ड स्टेट के भी लोअर सेक्शन से बिलोंग करते थे, लाइक स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, सर्वेंट्स थे, इस तरह के पोटर्स थे, केक मेकर्स थे, पेस्ट्री मेकर्स थे, शू मेकर्स थे, इस तरह के लोग जो थे इस ग्रुप के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। अब उनका लीडर कौन था? लीडर था मैक्सिमिलियन रोबस्पियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अभी तो ये फ्रेंड्स के लिए रेवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, अच्छे विचारों को फॉलो करता है, लोगों के को लीड भी करता है, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे काम ही करता है फ्रेंड्स हिस्ट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि इसको निंदनीय माना जाता है, इसकी बहुत ज्यादा बुराइयां की जाती हैं, गलत काम माने जाते हैं इसके द्वारा किए हुए, और इसके टाइम को टाइम ऑफ टेरर बोला जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो हु वाज द लीडर ऑफ जेकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब कहते हैं कि ड्रेस कोड क्या था। अब कोई भी ग्रुप बनता है तो वो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, सोसाइटी के लिए ड्रेस कोड बनाता है। इन्होंने ड्रेस कोड क्यों बनाया? फ्रेंड्स के अंदर जो मेनली नोबेलिटी और क्लेरिकल लोग थे, मीन्स योग्य लोग थे, ऊंचे तबके से बिलोंग करते थे, वो नी ब्रीचेस पहनते थे मेनली। नी ब्रीचेस मीन जिनको आज के टाइम आप शॉर्ट्स बोलते हैं, नी तक की जो निकर आप कह सकते हैं वो पहनते थे। तो इन्होंने अपनी ड्रेस कोड क्या बनाई, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। इन्होंने ब्रीचेस नहीं डाले, इन्होंने ब्रीचेस अगर डालते भी थे कभी कैजुअली तो उनको डालना बिल्कुल बंद कर दिया, और ट्राउजर्स डालने मीन्स लाइक यू कैन से पैंट्स डालने स्टार्ट कर दी, और वो भी लॉन्ग पट्टियों वाली, और लेडीज जो स्कर्ट वगैरह डालती थी वो भी स्ट्रिप्ड ही होती थी। अब मेन जो थे, आदमी थे, वो क्या करते थे, रेड कैप पहनते थे। रेड कैप क्यों पहनते थे? बिकॉज रेड कलर वॉज द सिंबल ऑफ लिबर्टी। तो ड्रेस कोड क्या हुआ, लॉन्ग ट्राउजर्स विद लॉन्ग स्ट्रिप्स, एंड मेन यूज टू वियर रेड कैप्स बिकॉज रेड कलर वॉज द सिंबल ऑफ लिबर्टी। अब नेक्स्ट क्या कहता है, दे वर नोन एज सेंस कुल्टोज। सेंस कुल्टोज क्यों बोला गया, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंड्स के अंदर उन लोगों के लिए जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। नी ब्रीचेस मीन्स वो शॉर्ट्स नहीं पहनते थे। अब जेकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया था, स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए उन नोबेल्टी और क्लेरिकी लोगों ने उनका नाम क्या निकाल दिया, सेंस कुल्टोज नाम निकाल दिया उनका। दोज विदाउट नी ब्रीचेस क्या मतलब होता है, जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। अब क्या होता है कि व्हाट हैपन टू लुईस, सॉरी ये हम बाद में सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम यहां से लेते हैं। ये हो गया कि मेंबर्स कौन होते हैं, लीडर कौन है, और ड्रेस कोड वो क्या फॉलो करते हैं। अब जेकोबिन क्लब क्या करता है कि समर 1792 के अंदर पेरिस के अंदर जो लोग ब्रेड के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्या हो रहा था उनके साथ कि पेरिसंस
वर एंगर गुस्से में थे वो क्यों पेरिसियंस कौन जो पेरिस में रहने वाले लोग थे क्यों बाय शॉर्ट सप्लाइज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड कि जो ब्रेड था जो स्टेपल फूड था उनका सप्लाई उसकी कम हो रही थी और कीमतें बहुत ज्यादा थी। तो जेकोबिन क्लब क्या करता है इंसुरेक्शन का स्टेप उठाता है। इंसुरेक्शन का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। तो इन लोगों के साथ मिलकर जो पेरिसियंस थे जिनको ब्रेड की बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना उस टाइम करना पड़ रहा था उनको जेकोबिन क्लब सपोर्ट देता है और इंसुरेक्शन का स्टेप उठाता है विद्रोह का स्टेप उठाता है। तो पर्सियन अब क्या कहता है रिवोल्ट बाय देम उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है अंडर जेकोबिन क्लब किसके द्वारा पेरिस के लोगों के द्वारा क्योंकि सबसे ज्यादा स्कार्सिटी ब्रेड की पेरिस के लोगों के साथ ही थी। आपने देखा कि फर्स्ट इवेंट में वो लोग ही वहां पर क्या करते हैं रियॉर्ड्स करते हैं ब्रेड की शॉप्स के ऊपर और राजा फिर क्या ऑर्डर देता है सारी आर्मी और कमांडर्स को पेरिस को घेरने का ऑर्डर देता है। वेरी फर्स्ट इंसिडेंट में हमने ये किया था। ऑल द मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव वोट द राइट टू वोट जब वो विद्रोह करते हैं तो उस विद्रोह का रिजल्ट क्या निकलता है पेरिस के अंदर जेकोबिन क्लब के लोग मिलकर और पेरिस वाले लोग मिलकर कि जो उन्होंने राइट टू वोट के लिए डिमांड उठाई थी कि इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए किसने नेशनल असेंबली ने उठाई थी। तो ये स्टेप वहां पर उनको सक्सेस मिलती है इसके अंदर कि 21 इयर्स के मेन हैं चाहे वुमेन है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन स्टेटस कोई भी तबके से वो बिलोंग करते हैं उनको वोट का राइट मिल जाता है। तो इट वॉज अ बिग सक्सेस फॉर नेशनल असेंबली विद द सपोर्ट ऑफ जेकोबिन क्लब। तो यहाँ पर राइट मिलने के बाद 21 सितंबर 1792 को रिपब्लिक अपने आप को डिक्लेयर कर देता है। सॉरी कौन डिक्लेयर कर देता है फ्रेंड्स अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देता है। देखिए सितंबर में जुलाई 1792 में वो इंसरेक्शन करते हैं पेरिसियंस के साथ मिलकर और 21 सितंबर 1792 को वो खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं पूरे तरीके से और राजा का सीन एकदम से वो हटा देते हैं। अब आगे बताती हूँ मैं आपको कि राजा के साथ भी क्या होता है। और जो नया जो वो असेंबली पहले क्या थी असेंबली का नाम नेशनल असेंबली था अब उसका नाम क्या रख देते हैं कॉन्वेक्शन रख देते हैं। कॉन्वेक्शन मीन्स होता है सम्मेलन, ठीक है। तो न्यू इलेक्टेड असेंबली का नाम क्या रखा जाता है कॉन्वेक्शन। फ्रांस बिकम रिपब्लिक रिपब्लिक बन जाता है पूरी तरीके से। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि रिपब्लिक क्या होता है अ स्टेट और स्टेट ऑन लार्ज स्केल स्टेट इज यूज फॉर अ कंट्री इन विच द हेड आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। या गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड द हेड इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। तो नो हेरिडिटरी मोनार्की अब कोई वंशानुगत तानाशाही वाला सिस्टम नहीं रहा था। अब ये तो हो गया कि फ्रेंड्स पूरे तरीके से मोनार्की को एबोलिश कर देता है और खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देता है। इट इज ऑल्सो वन मार्क वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और व्हेन फ्रांस डिक्लेयर हिमसेल्फ रिपब्लिक देन इट इज 21 सितंबर 1792। अब राजा के साथ क्या होता है नेशनल असेंबली वोटिंग करती है ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिया जाता है कि व्हाट शुड बी डन विद द किंग नाउ लुई 16 के साथ अब क्या किया जाए। वोटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू लुई 16 क्या होता है उसके बाद। तो सेंटेंस टू डेथ वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिया जाता है असेंबली के अंदर जिस नेशनल असेंबली जिसका न्यू नेम क्या होता है कन्वेंशन के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि उसको उसके ऊपर ट्रीजन चलाया जाना चाहिए। ट्रीजन मीन्स देशद्रोह का मुकदमा चलाना कि अपने देश के साथ इसने बीइंग अ किंग न्याय नहीं किया जस्टिस नहीं ये कर पाया तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। और 21 जनवरी 1793 को रिपब्लिक कब डिक्लेयर होता है 1792 को तो तब तक उसको जेल में रखा जाता है और 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली उसे डेथ मींस हैंग अंटिल डेथ मींस फांसी की सजा उसको दे दी जाती है। और वो जगह का नाम क्या था जहां उसे पब्लिकली फांसी दी जाती है दैट इज डाली कॉनकर्ड। इस जगह पर ये इम्पोर्टेंट है यहाँ भी क्वेश्चन वेयर लुई 16 वाज हैंग टू डेथ तो दैट इज डी ला कॉनकर्ड। और फिर उसकी वाइफ के साथ क्या होता है
एक साल के बाद उसकी वाइफ के साथ भी सेम प्रोसेस किया जाता है, उसको भी पब्लिकली हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स के अंदर मोनार्की सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए एबोलिश हो जाता है। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आफ्टर डेमोक्रेटिक एक्सेप्टेंस व्हाट विल हैपन इन फ्रेंड सोसाइटी वी विल डिस्कस। टिल देन कीप वॉचिंग, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।